तो हमने डिस्कशन करनी थी आज एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। यूजुअली आपके पास जब भी कोई सिस्टम आप डिज़ाइन करने के, कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि एक रीजनेबल साइज़ का होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कुछ गिनती की या एक दो क्लासेस ही बने। इन जनरल आप किसी भी सिनेरियो को देखेंगे, जैसे हम पहले देख चुके हैं, हम यूजुअली जो डिज़ाइन करते थे, हम कहते थे कि कोई जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे LMS कहते हैं, जैसे फ्लेक्स है, इस तरह के कुछ सिस्टम, कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, इस तरह का कोई सिस्टम आप बना रहे हो, मैनेजमेंट सिस्टम, या आप कोई डिफरेंट सिस्टम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहे हैं किसी भी डोमेन में से है, तो आप एक पूरे इन्वायरमेंट को, एक पूरे सिनेरियो को देखेंगे और सिनेरियो में से फिर आप अपने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स उठाएंगे कि मुझे इस सिस्टम में किस किस तरह की चीज़ों को स्टोर करना है, डील करना है, किस किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो आप पहले पूरा डिज़ाइन बनाते हैं और उस डिज़ाइन को बनाने के बाद आप इवेंचुअली जो है उसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो अभी जो हमारा पार्ट शुरू हो रहा है ये ज़्यादा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है कि आपके पास एक सिनेरियो आ गया, उस सिनेरियो में जब आप क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे कि आपके पास एक दो क्लासेस तो हैं नहीं, बहुत सारी क्लासेस हैं, तो आप पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ के क्लासेस आइडेंटिफाई करें। फिर एक्चुअली सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अगर मैं एक टर्म यूज़ करूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए, हमें उस सिस्टम के क्लासेस को आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखने, हमने देखना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जिसके लिए मैंने क्लासेस बनाई हैं ये यूज़ कैसे होती हैं। डेफिनेटली वो आपस में कोलैबोरेट करेंगी। कोलैबोरेशन के जो मैकेनिज्म्स हैं उनमें से कुछ मैकेनिज्म हैं एसोसिएशन, कुछ क्लासेस आपस में सिर्फ एसोसिएट करती होंगी यानी कि रिलेटेड हैं, लेकिन कैसे रिलेशन है इनका ये हमें अभी क्लियर आइडिया शायद नहीं। एग्रीगेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, इसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है कि ये दोनों किसी तरीके से एक दूसरे के साथ क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो। इसके मुकाबले में आखिरी जो टर्म है कंपोजिशन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में आती है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं कि ये किसी के, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट होंगे और जब डिस्ट्रॉय होंगे तो ये सब कुछ मैनेज्ड वे में होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि हैपेजर्डली हो जाए। एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन में हमारा जो आज के लेक्चर का कंटेंट है काफ़ी सारा है, मैं इसको थोड़ा समराइज करूँगा और समराइज करने के बाद इन जनरल आपके साथ जब एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है लेक्चर का वो ये है कि हम रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई कैसे करें। क्लासेस तो हमें शायद समझ आ जाएंगी, हमने पहले भी जब क्लासेस पढ़नी शुरू की तो हमने कहा था, या इनफैक्ट स्ट्रक्चर जब पढ़ने शुरू किए थे तो वी डिस्कस्ड कि हम एक रिक्वायरमेंट, हमारे पास स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट में से विल आइडेंटिफाई दी नाउन फ्रेजेस और नाउन्स, और फिर उसको उसके अगेंस्ट हम क्लासेस बनाएंगे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्या क्लासेस बनती हैं। जब क्लासेस आइडेंटिफाई होगी तो उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे आइडेंटिफाई करें, दिस इज दी एक्चुअली अगर देखें तो हमारे कोर्स का के टर्म्स में ये एक सेकेंड माइलस्टोन है। पहले हमने क्लासेस आइडेंटिफाई की, उनके अंदर सारी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की इंडिपेंडेंट एक एक क्लास उठा के, लेकिन अब जब हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अब मल्टीपल क्लासेस हैं हमारे पास, एक बड़ा सिस्टम बनाने लगे, इन मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी आपस में कोई रिलेशनशिप होंगी, एक क्लास दूसरे को यूज़ करती हो शायद, एक क्लास दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर कुछ एक्शन परफॉर्म करती हो, तो वो रिलेशनशिप क्या है हम उनको देखते हैं। तो सिंपल एक सिनेरियो देख लें कि हमारे पास इस स्लाइड के ऊपर दो डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई, पहली लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है उसको देखते हैं। इन दैट पिक्चर वी हैव अ सन एंड अ प्लांट, फिर हम प्लांट को अगर मजीद डिटेल में देखें द प्लांट हैज टू लीव्स एंड अ फ्लावर, सही हो गया। तो ये हमारा सिस्टम, अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें, अगर ये कोई पिक्चर है जिसको हमने दोबारा ड्रॉ करना है, कोई सिनेरियो है जिसको दोबारा हमने स्टोर करके रिट्रीव करना है, ताकि यहीं से आगे हमारी कोई गेम है जो बनी हुई है, जिसकी विजुअल ग्राफिक्स हैं जो बनी हुई है ना, तो उस केस में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी प्लांट की होगी और हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी सन की। प्लांट की इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने मजीद आइडेंटिफाई किया कि इट हैज लीव्स एंड अ फ्लावर। दूसरी पिक्चर पे जाएं तो हमारे पास देयर इज अ ड्राइवर एंड अ कार, और अगर हम कार को मजीद डिटेल में देखें तो इट हैज लाइट्स, कार्स लाइट्स, टायर्स, विंडस्क्रीन, साइड स्क्रीन मिरर्स, साइड व्यू मिरर्स, बैक व्यू मिरर, इंजन भी ऑफ कोर्स इस कार के अंदर होगा, तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि कार से रिलेटेड भी थी।
तो हमने इन सब को जब आइडेंटिफाई किया तो शायद यहाँ पे कार और ड्राइवर दो ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे, और अगर आप देखें तो इसमें कार के साथ मजीद उसके डाटा मेंबर्स लिखे हुए हैं जो कि इट्सेल्फ भी डिफरेंट, इन इट्सेल्फ वो खुद भी कोई क्लासेस हो सकते हैं। तो हमने ये सिनेरियो की बात की थी मैंने पहले कि हम जब सिस्टम बना रहे होंगे तो इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लासेस बन जाएंगी, और मल्टीपल क्लासेस जब बनेंगे तो उनके अंदर भी हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स होंगे। तो अब ये जो इंट्रैक्शन या इसको रिलेशनशिप मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, इसको अगर हम जरा थोड़ी डिटेल में देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में कि प्लांट वाले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्लासेस थी और उसके बाद क्या क्या फंक्शंस हो सकते थे हर क्लास के। तो स्पेसिफिकली प्लांट वाले एग्जाम्पल में अगर देखें तो प्लांट इज कम्पोज ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, और लीव्स का फिर एक फंक्शन लिखा हुआ है कि ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सनलाइट आती है जिससे ये इंटरेक्ट करते हैं तो कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। तो डेफिनेटली ये लीव की अगर कोई क्लास है, लीव की कोई क्लास है तो उसके अंदर किसी फंक्शन की बात हो रही है कि वो कुछ होगा फंक्शन जिसके बाद हमारे पास कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में बन जाएगी। ऑन द अदर वे, ऑन द सेकंड, ऑन द राइट साइड हमारे पास जो कार की एग्जांपल है उसमें जो कार है जिस कंपोज्ड ऑफ सर्टेन सर्टेन पार्ट्स, हर पार्ट जो है वो एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने पास कंटेन कर रहा है। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखने में कि ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है इट इंटरेक्ट्स विद द कार, इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे जो कार है इसके अपने डाटा मेंबर्स भी डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं, कार की उन क्लासेस के साथ भी इंटरेक्शन है। सेकेंडली एक और इंडिपेंडेंट क्लास है ड्राइवर जो कि कार का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ इसको बड़ा आपने नोट करना है, मैं टर्म स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ जो ऊप में यूज होती है उसे कहते हैं पार्ट। कार के पार्ट्स जो हैं उनकी अपनी इंटरेक्शन है डिफरेंट तरह से, लेकिन जो ड्राइवर इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कार बट इट इंटरेक्ट्स विद द कार, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमने उस सिनेरियो में से जो मल्टीपल क्लासेस भी आइडेंटिफाई की थी उन मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट तरह की इंटरेक्शन है। कार की स्टीयरिंग व्हील से जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कार की ड्राइवर के साथ नहीं है, ठीक हो गया। तो जब हम मल्टीपल क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन या इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन को देखते हैं तो ये डिफरेंट तरह की हो सकती है, इसीलिए एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन ये तीन डिफरेंट तरह की इंटरेक्शन अभी हम देख रहे हैं, और फ्यूचर के लेक्चर्स में हम इनहेरिटेंस और इससे रिलेटेड मतलब मजीद जो इंटरेक्शन हो सकती है उसको भी देखेंगे। अच्छा जी, फर्दर आगे चलते हैं कि इनफैक्ट इसको स्किप करते हैं और मजीद आगे चलते हैं, जो कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा लेक्चर को कंप्लीट करके एग्जांपल्स को जाना चाहूँगा। तो इसलिए हम आगे चलते हैं और सिनेरियो पे जाते हैं कि हम असल में ये जो इंट्रैक्शन थी ये आइडेंटिफाई कैसे कर रहे होंगे। इनफैक्ट लास्ट स्लाइड के ऊपर वही एक्सप्लेनेशन थी जो मैं आपको पहले बता चुका। अब अगर इधर से आगे चले तो हमने अगर किसी फॉर्मल वे पे जाना है तो फॉर्मल वे इज कि हम CRC कार्ड्स बनाते हैं, इसे कहते हैं क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर कार्ड्स। ये होते क्या हैं एक्चुअली, इसके पीछे पूरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो उसकी स्पेसिफिक टाइप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि हम मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं डेवलपमेंट की, कहते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, उसके अंदर ये कार्ड्स यूज़ होते हैं। और इनका यूजेज ऐसे होता है कि आप, मैं आपको कार्ड दिखा भी देता हूँ साथ इसका यूजेज भी बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ पिक्चर, ये जो जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास एक अपर जो बॉक्स है उसके अंदर क्लास नेम लिखा है, लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और राइट साइड वाले कॉलम के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटर्स लिखे हुए। तो ये जो हमारे पास पिक्चर, ये जो एक टेबल्स आया, एक डिपिक्शन सी बनी है, इसे कहते हैं दिस इज अ सीआरसी कार्ड। इसमें क्लास नेम है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, तो सी फॉर क्लास नेम, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द लास्ट सी इज फॉर कोलैबोरेशन। तो ये सीआरसी कार्ड जो बना है, ये सीआरसी कार्ड हमारे किसी भी सिस्टम के अंदर मल्टीपल होंगे। हम हर क्लास के लिए अगर यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में तो हर क्लास के लिए हमारे पास एक डिफरेंट सीआरसी कार्ड बन रहा है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन कम्प्लीट हमने बताई है। वापस चले अगर, तो ये जो CRC कार्ड था, ये कार्ड अगर आप सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए हर क्लास के लिए ऐसा एक CRC कार्ड बना लेते हैं और उसके अंदर डिटेल पूरी मेंशन कर देते हैं, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ये इस तरह से यूज़ होंगे कि आप इनमें से एक कार्ड उठा लें और एक प्रोग्रामर को पकड़ा दें, दूसरा कार्ड उठा लें दूसरे प्रोग्रामर को पकड़ा दें, तो इवेंचुअली आपका जो सिस्टम है उसकी डिवेलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी।
डिजाइन पूरा बना हुआ है, आपको पता है ये 4 या 5 क्लासेस बनानी है, एक एक क्लास की पूरी डिटेल पता है कि इसने किस किस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, तो एक प्रोग्रामर इंडिपेंडेंटली बैठ के इस पूरी क्लास को कोड लिख सकता है, दूसरा प्रोग्रामर दूसरे का कोड, और सो ऑन, पांचों क्लासेस का कोड पैरेलल में लिखा जा सकता है, तो इसे कहते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग फोकस्ड होते हैं उस डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पे ये कार्ड सबको समझ आ रहा है, आपने जब स्टेटमेंट कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पढ़नी है तो आपने जितनी भी क्लासेस के नाम आइडेंटिफाई करने हैं उनके लिए एक एक कार्ड बना लेना है, उस कार्ड के टॉप पे जो बॉक्स है उसमें इस क्लास का नाम लिख देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन के अंदर आपने एक्चुअली क्लास के डेटा मेंबर्स और उस क्लास के फंक्शन जो उसने परफॉर्म करने, जिन्हें मेंबर फंक्शन अभी तक कहते थे, वो लिख लेने हैं कि दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दीज एक्शंस एंड टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ कोलेबोरेशन या कोलेबोरेटर डिफरेंट क्लासेस भी चाहिए, तो वहां से आपका कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे ये जो इस स्लाइड के ऊपर आपको एग्जांपल नजर आ रही है, ये एग्जांपल बेसिकली हमारे पास है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें हमारे पास टॉप राइट पे अगर आप देखें तो दिस इज एन इन्वेंट्री आइटम क्लास, जिसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं वो हैं इन्वेंट्री नंबर, आइटम नंबर। अगर आप इस आइटम नंबर को कंसिडर करें तो दिस मे बी अ यूनिक आइडेंटिफायर के जिससे ये इन्वेंट्री आइटम आपके सिस्टम में स्टोर होता है। तो ये उसकी आईडी है, फिर उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, गिवन प्राइस, ये कुछ डेटा मेंबर्स हैं। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे देखें तो ऑर्डर आइटम की क्लास है। ऑर्डर आइटम की क्लास जो है इसके अंदर अगर आप नोट करें तो क्वांटिटी, इन्वेंट्री आइटम और कैलकुलेट टोटल 3 डेटा मेंबर्स हैं, लेकिन कैलकुलेट टोटल एक फंक्शन है। और ये जो तीनों हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस क्लास की, इनमें जो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेंट्री आइटम की, इसको जरा फोकस करें तो ये वही इंफॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लास बना के भी रखी है। तो ये जो ऑर्डर आइटम क्लास के अंदर जो सेकंड आइटम मेंबर है इन्वेंट्री आइटम, अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करें तो ये वही क्लास है जो कि हमारे पास, ये वही इंफॉर्मेशन है जो कि हमने पहली क्लास देखी थी इन्वेंट्री आइटम की। तो ये इन्वेंट्री आइटम की क्लास है, वहीं से ये इन्वेंट्री आइटम इस ऑर्डर आइटम के अंदर मौजूद है। अगर आप कैलकुलेट टोटल के फंक्शन को देखें या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्डर आइटम किसको देखें, तो इसे किसी भी ऑर्डर आइटम के टोटल को कैलकुलेट करने के लिए या उसकी प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए देखना ही होगा कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री आइटम है पेंसिल या पेंस, और आपने ये 5 या 4 बाय किए हैं, तो 4 into the price of यूनिट प्राइस जो है हमारे पास इन्वेंट्री आइटम क्लास में मौजूद है। तो हम इस इन्वेंट्री आइटम जो ऑर्डर आइटम में मौजूद है यहाँ से इन्वेंट्री आइटम को प्राइस, यूनिट प्राइस लेंगे, उस यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। इट मींस कि दिस ऑर्डर आइटम क्लास कोलैबोरेट्स विद द इन्वेंट्री आइटम क्लास टू कैलकुलेट टोटल। तो इसके कोलैबोरेटर्स में इन्वेंट्री आइटम को ऐड कर दिया। इसी तरह इसके लेफ्ट पे देखें तो जो ऑर्डर की क्लास है, इस ऑर्डर के अंदर ऑर्डर नंबर है, इसकी डेट ऑर्डर और शिपमेंट की है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि शायद कोई ये ऑनलाइन शॉपिंग की कोई कार्ट है या उस तरह का सिस्टम है, तो या ई कॉमर्स का जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ डेटा मेंबर है दैट इज ऑर्डर आइटम्स, इट शोज कि हमारे पास ये जो ऑर्डर आइटम एक था, इस तरह के मल्टीपल आइटम्स इसके अंदर इस क्लास के अंदर मौजूद हैं, यानी कि शायद कोई एरे है या कोई लिस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट ऑर्डर टोटल की बात हो रही है, तो ये एक ऑर्डर है जो किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर ने, यहाँ पे कस्टमर की भी क्लास है, किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो उसने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, और जब बहुत सारी चीजें खरीदने के बाद वो चेकआउट करने लगा है तो यहाँ पे कैलकुलेट ऑर्डर टोटल करना था जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हर आइटम के पास उसके अपने टोटल कैलकुलेट करने की फंक्शनैलिटी मौजूद है। इट मींस कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑर्डर टोटल, दिस ऑर्डर क्लास नीड्स द ऑर्डर आइटम क्लास। एंड सेकेंडली, अगर इसने प्रिंट इनवॉइस करनी है तो इनवॉइस प्रिंट करते हुए इसको अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, सेकेंडली इसको ऑर्डर आइटम में से ऑर्डर की आइटम का नेम और आइटम की डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। जी क्वेश्चन पूछें। फिजान आपका क्वेश्चन है, पूछें। इफ ईच क्लास इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर,
हाउ कैन डिफरेंट प्रोग्रामर्स वर्क एट ईच क्लास एट द सेम टाइम. अगर आप जिस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं, आपने नोट किया ना कि हेडर फाइल्स बनी होती हैं और उनके अंदर क्लास का नाम होता है ना, तो आप उस तरह से अपनी क्लास को जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब उस क्लास के अंदर हेडर फाइल, ये जो सीआरसी कार्ड है अगर आप देखें तो शायद ये हेडर फाइल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन शायद नहीं है अभी इनके अंदर. तो अगर आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लें तो आपको वो सारे फंक्शंस जो उस क्लास में मौजूद हैं या डेटा मेंबर्स जिसके थ्रू वो क्लास की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी, आप उनको अपने कोड में लिख जरूर सकते हैं और कंपाइल करके देख सकते हैं कि ये चल रहे हैं. जब ये इंटीग्रेट होंगे, कंबाइन होंगे, सारे एक सिस्टम बनेगा तो ऑफकोर्स कंप्लीट तो तभी चलेगा, लेकिन आप अपने इंडिपेंडेंट पोर्शन को चला के देख सकते हैं कि हाँ आई नो कि इन द इन्वेंटरी आइटम क्लास देयर इज फंक्शन गिव प्राइस या गेट प्राइस का फंक्शन है. ठीक है, तो ऑर्डर आइटम की क्लास में अगर आप कोड लिख रहे हैं तो आप कैलकुलेटर में आइटम से गिव यूनिट प्राइस का फंक्शन या गेट यूनिट प्राइस का फंक्शन कॉल लिख सकते हैं. ऑफकोर्स आप कोड चला नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपने कोड को कंप्लीट करें, चला अपने ऑर्डर आइटम की क्लास को कंप्लीट करें तो वहां पे आपको एरर नहीं आएगा. जी चले, अब यहाँ से आगे चलते हैं कि ऑर्डर को प्रिंट इनवॉइस करने के लिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑर्डर आइटम से आइटम की डिस्क्रिप्शन या नेम चाहिए. तो ये सारी डिटेल लेने के बाद आप प्रिंट इनवॉइस ऑर्डर में कर सकते हैं. कस्टमर की इंफॉर्मेशन अगर आप दूसरे एंड से देखें कि शायद ऑर्डर तो प्लेस हो गया लेकिन आपका सिस्टम इस तरह से है कि ये कस्टमर का रिकॉर्ड अपने पास स्टोर कर लेते हैं ताकि जब वहाँ पे डिलीवर करना है, शिपमेंट करनी है, तो आपके पास कस्टमर का एड्रेस होना चाहिए. इन दैट केस आपका सिस्टम ऑर्डर लेने के बाद जब उस ऑर्डर को सेंड कर रहा होगा या उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचा रहा होगा तो उसके लिए कस्टमर का एड्रेस चाहिए होगा. तो ये जो सरफेस एड्रेस या मे बी इसको आप स्ट्रीट एड्रेस भी कह सकते हैं, वो एड्रेस आपका कस्टमर को चाहिए होगा. तो कस्टमर की क्लास जो है इट इंटरेक्ट विद द ऑर्डर एंड द सरफेस एड्रेस या स्ट्रीट एड्रेस क्लास. अब ये जो मैंने स्लाइड के ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स डाली हैं और इसे हमने सीआरसी मॉडलिंग करने की कोशिश की है, इसमें इन जो ये जो क्लासेस की प्लेसमेंट है, अगर आप देखें आपको लग रहा होगा कि मैंने इनको अलाइन भी नहीं किया, इनके लेफ्ट अलाइनमेंट तो है लेकिन अगर आप इनकी वर्टिकल अलाइनमेंट देखें तो स्ट्रीट एड्रेस को शायद थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था. ये जानबूझ के इस ऑर्डर आइटम से और ऑर्डर की क्लास से दूर प्लेस किया. रीजन बीइंग के ये मॉडलिंग इस तरह से की जाती है कि जब आप ये क्लासेस डिजाइन कर रहे होंगे तो आपने जिन क्लासेस की आपस में इंटरेक्शन ज्यादा है उन्हें उतना करीब रखना है, जिनकी इंटरेक्शन कम है उन्हें आपने दूर रखना है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री आइटम की क्लास ऑर्डर आइटम के करीब है लेकिन स्ट्रीट एड्रेस की क्लास ऑर्डर आइटम से दूर या ऑर्डर से दूर है. स्ट्रीट एड्रेस सिर्फ कस्टमर को चाहिए तो ये उसके ज्यादा करीब है. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप. लेकिन यूजुअली इससे डिफरेंट अगर आप मॉडलिंग की कोई और टेक्निक को यूज करें, जैसे कि यूएमएल मॉडलिंग होती है, वो भी आगे उसकी भी पिक्चर आ जाएगी, तो उसमें एरोज या डिफरेंट नोटेशंस को यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप की डिफरेंट क्लासेस की आपस के इंटरेक्शन बताने के लिए. तो यहाँ पे आपको शायद सीआरसी मॉडलिंग से क्लियर हो गया कि हमारे पास क्लासेस की इंटरेक्शन आपस में किन किन क्लासेस की, ये आपको नजर आ गई कि एक क्लास इन दो क्लासेस से, ऑर्डर की क्लास इन दो ऑर्डर आइटम और कस्टमर से इंटरेक्ट कर रही है. किस टाइप की इंटरेक्शन है, एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है या कंपोजिशन है, वी स्टिल डू नॉट नो दैट. ठीक है, तो अब हम उस तरफ जाते हैं कि ये कैसे पता चले कि हमारे पास किस तरह के इंटरेक्शन है. तो जो पुरानी पिछली स्लाइड पे फिगर थी, इससे हमने जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की वो ये थी कि हमारे पास ये ऑर्डर आइटम की इन्वेंटरी आइटम के साथ इंटरेक्शन है, ऑर्डर की ऑर्डर आइटम के साथ इंटरेक्शन है, ऑर्डर की कस्टमर कस्टमर की ऑर्डर के साथ इंटरेक्शन है, इसी तरह कस्टमर की स्ट्रीट एड्रेस के साथ या सरफेस एड्रेस जो लिखा हुआ था वहाँ पर क्लास का नाम, उसके साथ इंटरेक्शन जरूर है. अभी ये जो इंटरेक्शन है हमने लिख ली लेकिन इसको हमने नाम नहीं दिया कि ये कंपोजिशन है, ये एसोसिएशन है या ये इनहेरिटेंस है या क्या रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप की मैंने बहुत सी टाइप से शुरू में बताई कि अभी हमने वो डिसाइड नहीं किए कि उनमें से कौन सी यहाँ अप्लाई होती है. उसको अगर आपने देखना है तो उसके लिए हमारे पास ये जो आपको फ्रेजेस या कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, पार्ट ऑफ, हैज अ, यूजेस अ, डिपेंड्स ऑन, मेंबर ऑफ, इज अ, इस तरह की ये जो टर्म के ये जो सेट ऑफ टर्म्स है इनमें से कोई एक टर्म आप पिक कर सकते हैं कि मेरी इन दो क्लासेस के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए मैं ये टर्म यूज कर सकता हूँ. अगर आप एग्जांपल को देखें तो आप यहाँ पे ये कह सकते थे जैसे इनफैक्ट मैं वापस लास्ट पर एग्जांपल भी चला जाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखते तो ये जो ऑर्डर आइटम था, ऑर्डर आइटम
के साथ इन्वेंट्री आइटम, ये जो बीच में डैश है, इसकी जगह पे कौन सी टर्म आ सकती है यहाँ पे? पार्ट ऑफ हैज अ यूजेस अ डिपेंड्स ऑन मेंबर ऑफ या ईसा। तो हम ये कह सकते हैं अगर आप वापिस से लें और ऑर्डर आइटम हैज एन इन्वेंट्री आइटम या अदर वे अराउंड देखें तो द इन्वेंट्री आइटम इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर आइटम। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमें पता चला इन दो के बीच में। इसी तरह आप ये बाकी जितने भी रिलेशन आपने यहाँ पे इंटरेक्शन देखी थी, इन इंटरेक्शन तो ये जो हमारी स्लाइड पे इंटरेक्शन नजर आई थी ऑर्डर आइटम इन्वेंट्री आइटम इनके बीच में जो डैश है, इसी तरह बाकी जो हमने पांच डिफरेंट रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई किए थे इनके बीच में दो क्लासेस के बीच में जो डैश लगे हुए, इसकी जगह पे आप इन फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज जरूर डाल सकते हैं, पार्ट ऑफ हैज आर यूजेस आर डिपेंड्स ऑन या। और जब हम एसोसिएशन कंपोजिशन या एग्रीगेशन की बात कर रहे होंगे तो जो टॉप टू टर्म्स लिखी हुई है पार्ट ऑफ और हैज आर, ये दो टर्म्स यूज हो रही होंगी। यूजेस आर डिपेंड्स ऑन मेंबर ऑफ, या चलिए मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ भी उसका पार्ट हो सकता है एसोसिएशन कंपोजिशन एग्रीगेशन का। यूजेस डिपेंड्स और इज आर, ये जो तीन रिलेशनशिप टाइप्स हैं ये तीन टाइप्स कंपोजिशन एसोसिएशन या एग्रीगेशन से रिलेट नहीं करते। पार्ट ऑफ हैज या मेंबर ऑफ, ये तीन जो हैं ये रिलेट करती हैं आपके एसोसिएशन कंपोजिशन या एग्रीगेशन के साथ। ठीक है, तो आप जब भी क्लासेस आइडेंटिफाई करने के बाद रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज दिस। आप सिंपल इंग्लिश बोलते भी कहेंगे या उर्दू बोलते भी कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिलेशनशिप है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्क्वायर इज अ शेप, तो ये जो रिलेशनशिप है शेप और स्क्वायर का, ये कहीं से भी कंपोजिशन नहीं है। लेकिन अ कार हैज अ स्टीयरिंग व्हील, तो हैज अ ये कंपोजिशन वाला रिलेशनशिप। अ स्क्वायर इज अ शेप, तो ये कंपोजिशन नहीं है। कार हैज अ स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन है। ठीक है, अ कार कंटेन्स अ स्टीयरिंग व्हील, कंटेन्स की जगह जो टर्म यूज करें वो कीवर्ड यूज करें वो इज हैज अ यूज करें तो आप क्लियर रहेंगे कि ये कंपोजिशन है। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर यूजेस अ कीबोर्ड, फ्लावर डिपेंड्स ऑन अ बी, ये डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप है। अ स्टूडेंट इज अ मेंबर ऑफ जो है ये दोबारा आप कंपोजिशन में लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एसोसिएशन टाइप का बन जाता है वीक किस्म का। योर ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ यू योर सेल्फ, ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी अदर वे अराउंड कह रहे हैं या दूसरी तो पे कह सकते हैं कि यू हैव अ ब्रेन। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबली ऐसा है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है योर ब्रेन और पार्ट ऑफ वाला ये भी कंपोजिशन वाले या एसोसिएशन वाले कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से आगे चलें तो हमारे पास थोड़ी सी और थ्योरी में कि एसोसिएशन और जनरलाइजेशन दो टाइप होते हैं। जनरलाइजेशन में इनहेरिटेंस की बात कर रहा था, ठीक है, लेकिन एसोसिएशन में हमने ये तीन चीज़ें बात की, कंपोजिशन एग्रीगेशन एसोसिएशन। एसोसिएशन का वर्ड दोबारा आ रहा है, यानी कि दो जगह यूज़ हो रहा है। इन जनरल की हम जो ओवरऑल कैटेगरी उसे एसोसिएशन ही कहते हैं, लेकिन उसमें तीनों चीज़ें कंसिडर करते हैं कि कंपोजिशन एग्रीगेशन और फिर ही कीवर्ड एसोसिएशन। इसका मतलब मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप कंपोजिशन को भी बिल्कुल अगर बिल्कुल लूजली बात करें तो एसोसिएशन कह सकते हैं, कंपोजिशन को भी एसोसिएशन कह सकते हैं, एग्रीगेशन को भी एसोसिएशन कह सकते हैं, लेकिन जितना टू द पॉइंट करेंगे तो कुछ चीज़ें एसोसिएशन से ज़्यादा दूर हो जाएंगी, थोड़ा ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा तो उसे एसोसिएशन की जगह हम एग्रीगेशन या कंपोजिशन की कैटेगरी में डाल देंगे। तो अगर जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि कंपोजिशन इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप के दो क्लासेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं। एग्रीगेशन थोड़ा सा लूज रिलेशनशिप है, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट आपको नहीं रिक्वायर्ड तो डिस्ट्रॉय भी करते हैं तब भी आपका दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी बाकी फंक्शनलिटी परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, तो ये एक एग्रीगेशन है, थोड़ी सी लूज, यहाँ पे अगर आप देखें तो लूज टाइप ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, स्ट्रांग नहीं है, जबकि एसोसिएशन सबसे लूज है, सिर्फ दो क्लासेस आपस में किसी तरह से इंटरेक्ट करती हैं। उसमें ये भी कह सकते हैं कि एक क्लास को एक फंक्शन में कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए
दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है बस उस उतनी सी फंक्शनैलिटी के लिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके सिस्टम को इनवॉइस प्रिंट करने के लिए डेट जो करंट डेट है उसकी ज़रूरत होती है, उसके अलावा उसे कभी डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो डेट और आपका जो इन्वेंट्री का या शॉपिंग का सिस्टम है, ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम है, इन दोनों के आपस में जो इंट्रैक्शन है उसको आप एसोसिएशन कह सकते हैं, लेकिन वो कहीं से एग्रीगेशन या कंपोजिशन नहीं है। ठीक है जी। तो या ऑर्डर की क्लास का डेट के साथ एसोसिएशन हो सकता है मे बी, लेकिन ऑर्डर की क्लास का स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वो तो शायद एसोसिएशन से थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन आपके ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो वो एसोसिएशन हो सकती है।